नमस्कार, मैं तबारक और आप लोग सच 22 बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया के जीरो माइल में हैं और ये जीरो माइल का मुख्य चौराहा है। और जहां पर एक बार मंसूर दिखाइए, इधर आप आसाम बंगाल के तरफ निकल सकते हैं और इधर आप मधेपुरा सहरसा भवानीपुर इधर निकल सकते हैं, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया निकल सकते हैं और इधर आप भागलपुर निकल सकते हैं। और इस जगह में अभी हम लोग खड़े हैं और ऐसा माना जाता है कि पूर्णिया में कहीं ना कहीं चौमुखी विकास हो रहा है। पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, पूर्णिया का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएँ लोगों को मिला है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मंसूर, आप दिखाइए कि यहाँ पर जितने सारे फुटकर विक्रेता हैं जो सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं आज दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है। और सबसे पहले यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर था वो ये था कि यहाँ पर जितने सारे फुटकर विक्रेता हैं जो सड़क के किनारे खड़ा होकर अपना व्यवसाय करते हैं, 2 रुपये कमाते हैं, उनके लिए बिहार सरकार हो या फिर पूर्णिया नगर निगम हो, एक वेंडिंग जोन का निर्माण कराए। और जब यहाँ पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जाएगा तो जितने सारे फुटकर विक्रेता हैं उनको वो लोग अस्थाई रूप से वहाँ पर दुकान लगा पाएंगे। और जब वो दुकान लग जाएगा तो ऐसा होगा कि इन लोगों को जो आसपास देख रहे हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। देख रहे हैं कैसे अस्त व्यस्त गाड़ी है। और यहाँ पर ज़रूरी है कि पहला वेंडिंग जोन होना चाहिए, और जब वेंडिंग जोन होगा और तमाम दुकानदार जो सड़कों के किनारे दुकान लगा रहे हैं उनको नगर निगम वेंडिंग जोन के अंदर व्यवस्थित करे, उनको दुकान वहाँ पर लगाने दे। और जब उनको दुकान लगाने दिया जाएगा तो ये सारा जो जगह देख रहे हैं आप, जो आसपास में आपको दुकान दिखाई दे रहा है, ये खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तो लोगों को यहाँ पर सुविधा होगा और जगह बनेगा जिससे यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं लगे। कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अच्छा, हर दिन ट्रैफिक की समस्या होती है, क्या कहिएगा, कैसे भीड़ खत्म कैसे होगा? भीड़ कैसे खत्म होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ऑटो चला करके जीवन पालते हैं यहाँ पे, गरीब आदमी हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तसीम। क्या कहिएगा, जो भीड़ लगता है, ट्रैफिक फंस जाता है, कैसे ये सुविधा पहुँचेगा लोगों? ट्रैफिक तो यहाँ लगता नहीं, ऐसे तो क्लियर रहता है, मगर यहाँ पे ये कि इधर पार्किंग दिया, कल से पार्किंग वर्किंग बना दिया है आप लोगों के लिए। पार्किंग बना? हाँ, बनाया है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ उधर। यहाँ पे से पहले क्या था, धर्मशाला था, आदमी सब रुकता था, अभी स्टॉप आदमी रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। धूप कितना रहता है, आदमी धूप में इधर उधर रहता है, और दुकान व्यवस्था कुछ है ना बढ़िया से। पानी का सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ, पानी पीने का नहीं है, पानी पीने का नहीं है, पानी पीने का नहीं यहाँ। पब्लिक सब पानी के लिए, तो दुकानदार सब पिलाता है पानी, अब वो भी पानी खरीद के लेता है ना, वो तो ट्यूबवेल या नल तो कोई सरकारी है ना, जो कि इंसान पानी उनी पी ले, गर्मी कितना है, पानी के लिए छटपटा जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, क्या यहाँ पर इस चौराहा पे क्या कुछ सुविधा है आपको नज़र आ रहा, क्या होना चाहिए यहाँ पर? सुविधा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, जैसे कि सवारी वाली कोई भी दूर दराज से आता है, जैसे कहीं से ये चौरमुखी है तो कहीं ना कहीं से आएगा ही, तो कहीं किसी को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा सुविधा तो है नहीं। सिर्फ बोलता है बनने बना, लेकिन बनेगा तो है नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक चापाकल भी नहीं है जो पब्लिक पानी पी सके, पेशाब करने या फिर बाथरूम वाथरूम वगैरह कुछ है नहीं। और जाम थोड़ा बहुत लगता है, उसको क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन वही है, शाम के शाम जाम लगता है। तो देखिए, हम जीरो माइल में हैं और आपको यहाँ पर हम दिखा रहे थे, और जानते हैं यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ से इस जगह से आप चारों ओर निकल सकते हैं, आपको जहाँ भी जाना है इस जगह से। मंसूर दिखाइए कि जीरो माइल जो चौराहा है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट, दुनिया का कोई कोना जा सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर सुविधा की बात करें तो नहीं के बराबर है, जबकि यहाँ पर पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग यात्री लोग यहाँ पर आते हैं, जो बाहर दूर दराज के लिए जाते हैं, उनको पानी पीने का सुविधा होना चाहिए ताकि वो पी पाए, जबकि दुकानदार लोग यहाँ पर जो भी है वो लोग पैसा लेता है, पैसा वैसा लेके पानी पीते हैं ना आप लोग? जी सर, बोतल खरीद के पीना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए जब गर्मी का मौसम आता है तो कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और हर कोई यहाँ पर धूप में खड़ा होता है। वैसे में एक यात्री शेड भी होना चाहिए ताकि लोग आराम से बैठ पाए, कहीं भी जाना हो तो आराम से पहुँचे। आप अभी भी देख सकते हैं धूप कितनी। क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम हुआ आपका? भैया अनिल शाह। क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या कुछ कमी नज़र आ रहा चौराहा पे? जीरो माइल में भी बहुत सी कमी है। बोलिए। बहुत सी कमी है, देखिए यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है, टेबल उबल नहीं है, कुछ है ही नहीं है जीरो माइल में। पब्लिक के लिए दिक्कत है, वर्षा हो जाएगा तभी कहाँ जाएगा आदमी, बताइए आप भी कहाँ जाइएगा।
यात्री सेट भी होना चाहिए बैठने उठने बैठने के लिए। बहुत जरूरी वही है ना, दुकानदार सब का वो टीना प्लास्टिक रहता है, वो हफ्ता में दो बार आता है तोड़ने ही के लिए, नहीं हमसे आज तो बना गए तो कुछ दिया ही नहीं है, बना के कुछ दे तब ना। शौचालय है यहाँ पर? शौचालय वो प्राइवेट बनाया है, वो 10 रुपये करके ले आ जा रहा है, वो हाथ से किलची पकड़ के रखना पड़ता है तब बाथरूम होता है। अच्छा हाँ, तो ये देखिए आम लोगों की समस्याओं को दिखा रहे हैं, और देखते ही देखते हम लोगों को एक चीज़ और दिखा, इधर लिखा हुआ मे आई हेल्प यू। आपको बता दें कि जितना सारा तस्करी का धंधा होता है ना पूर्णिया में, कहीं ना कहीं इसी जगह से होता है। जो भी गुंडे मवाली लोग हैं जो इस तरह का धंधा करते हैं, उन लोगों का आना जाना इसी से होता है। चलिए हम लोग चलते हैं और वहाँ से पूछेंगे। अच्छा यहाँ पर लगता है कि CCTV कैमरा होगा यहाँ पे? नहीं होगा भैया? नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं एक बार वहाँ से पूछेंगे हम लोग। आपको बता दें कि पूर्णिया में जितना सारा तस्करी का धंधा होता है कहीं ना कहीं वो इसी जगह से शुरुआत होता है, क्योंकि जो गुंडे मवाली लोग हैं उनका आना जाना यहीं से होता है, इसी रोड से लोग आते हैं जाते हैं पास करते हैं। और 24 घंटा देखते हैं यहाँ पर मे आई हेल्प यू पूर्णिया पुलिस, और हम इनसे बातचीत करेंगे। एक समस्या है यहाँ पर कि आप लोगों के यहाँ पर CCTV कैमरा है? नहीं है। अच्छा यहाँ पर CCTV कैमरा होनी चाहिए ना? होना चाहिए। जितना सारा तस्करी ऐसा माना जाता है कि तस्करी होता है, लोग गुंडे मवाली लोग आना जाना करते हैं, कहीं ना कहीं इसी जगह से उनका CCTV कैमरा है, जाके वहाँ ट्रीटमेंट लीजिए ना। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बढ़िया तो बढ़िया पदाधिकारी जानेंगे ना। आपको नहीं पता है? लेकिन एक होना चाहिए सर, क्योंकि जो भी है आप लोग यहाँ पर इस जगह से ज़्यादा दिखेगा ना। हाँ तो ये तो बढ़िया पदाधिकारी समझेंगे। तो देखिए कि इनका कहना है कि यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर में CCTV कैमरा लगा हुआ, और वहाँ से कितना दिखता होगा पता नहीं, बाकी इस जगह पे होना चाहिए। और जब यहाँ पे CCTV कैमरा होता तो यहाँ पर चारों दिशा की ओर लोग यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से आपको कम से कम यहाँ से वॉच तो कर पाता कि कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, चोरी हो गया, डकैती हो गया, छीन छान हो गया, मर्डर हो गया, किसी भी प्रकार का घटना होता तो वो यहाँ पर कवर हो पाए।